सो IBPS क्लर्क का लाइव टेस्ट चल रहा है ऑलिव बोर्ड पर, और मैंने वो टेस्ट दिया। और पूरा 1 घंटे का टेस्ट देने के बाद मेरा रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि क्लर्क का लाइव टेस्ट है और लाइव टेस्ट का जो रिजल्ट है वो थोड़ा टाइम बाद आता है। तो मैं उसके लिए मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, इंग्लिश की, मैथ की और रीजनिंग की। तीनों के टेस्ट जो हैं मैंने वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे 3 वीडियोज़ हो जाएँ और लोग 1 घंटे की देखने के बजाय 20-20 मिनट के अपने सेक्शन के हिसाब से जो उनका सेक्शन वीक है वो देख लें। तो जंप करते हैं वीडियो में। सो आज हम दे रहे हैं ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट चल रहा है IBPS क्लर्क का ऑलिव बोर्ड पे। सो देखते हैं कितने नंबर आते हैं। IBPS क्लर्क प्री का पेपर है, स्टार्ट टेस्ट इन IBPS क्लर्क 2022 प्रीलिम्स इंटरफेस। तो शुरू कर रहे हैं हम, और कुछ तो नहीं है, ठीक है, आराम से करेंगे और अच्छा स्कोर करने का ट्राई करेंगे। रीड द सेट ऑफ पैसेज है, पैसेज है तो 8 तक हम स्किप करेंगे, 9 पे चलते हैं। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन इज फ्रेज हाइलाइटेड इन बोल्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन बिलो दैट कैन रिप्लेस द बोल्ड और मैक। ठीक है, इफ शी हैव वाज गिवन अ चांस शी वुड हैव एक्सेल्ड इन द इंटरव्यू, शी वुड हैव इफ शी हैड गिवन अ चांस शी वुड हैव, शी वुड हैव ही आएगा, एक्सेल इन द इंटरव्यू, एक्सेल्ड इन द इंटरव्यू, शी वुड हैव एक्सेल्ड द इंटरव्यू, एक्सेल्ड इन द इंटरव्यू, she would have excelled in the interview, heavy aayega excelled ke sath। okay, john is addicted to smoking, addicted with smoking, addicted to smoking, ye aayega। from a little spark may burst a mighty flame, from a little spark might bursting of mighty flame, jaisa may burst mighty, from a little sparks नहीं आएगा, sparks sparks नहीं आएगा, तो ये तीन में bursting और mighty flame, में burst and mighty flame, spark from a little spark में burst into mighty flame, while bursting of mighty flame। तो मैं इसको clear mark for review and next। All you need is a pair of tong, all you need is a pair of tongs। Sam is tall than Sona, Sam is taller than Sona, but shorter than Viva। Okay, so ये questions हो गए हैं। अब है कि highlighted wrongly spelt है या फिर context गलत है, तो इसको अपने को बताना है। During his later years, imbecile, bowl और thorns, thorns सही है, bowl सही है। Later she directed the whole policy of Spain as to secure thorns in Italy for her sons, nearly imbecile, ये वाला मुझे थोड़ा सा भी गलत लग रहा है, लेकिन later, during his later years तो नहीं होता, तो late years हो सकता है, imbecile का मतलब पता नहीं, इसलिए mark for review next करते हैं। Its position, तो ए आना चाहिए, बट एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। द बॉडी ऑलमोस्ट एज इफ इट इफ द बियरर वर वॉकिंग ऑन एन इंक्लाइन में, मीनिंग यू विल बर्न मोर कैलोरीज व्हेन यू वॉक, क्या है? इट पोजिशंस द बॉडी ऑलमोस्ट एज इफ इट बियरर, इफ द बियरर वर वॉज वॉकिंग ऑन एन इंक्लाइन the wearer walking on the incline, meaning you will burn more calories when you walk, I don't know, mujhe time waste nahi karna chahiye isme। wearing a handkerchief hem dress is amazing when the weather gets balmy and you want to wear something breezy, d aayega, breezy ki spelling galat hai, amazing, balmy and breezy spelling galat hai, he wanted कार स्केयर्ड, ट्रेटर की स्पेलिंग गलत है, सी आएगा, हैंडलर ट्रेटर, इंडीड हर होल ऑर्गेनाइज्ड, ये सही है, ब्रिंगिंग सही है, फेलो में डी आएगा, तो ये इजी था। ओके, एक ये 15th रह गया, वो देखते पोजीशंस, वी आर आर
इंक्लाइंड और कैलोरीज, तो ये तो सही है। चलो 19वां तो बाद में देखेंगे, 14वां देखते हैं लेटर, इम्बेकाइल, बोल और थॉर्न्स, ये तो छोड़ो, 19 पे चलते हैं। ओके द सर्कुलर मेंशंस, तो बी से स्टार्ट होगा, तो बी और बी। ओके सर्कुलर मेंशंस दैट अ कॉइन, बी ए होगा, बी ए, बी ए इज अवेलेबल, बी ए डी सी, बी ए डी सी, तो ये डन हो गया। टू ऑब्जर्व शार्पनिंग ने, इट इज अ कॉमन मिस्टेक टू ऑब्जर्व शार्पली राइजिंग प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स एंड कंक्लूड इन्फ्लेशन। बी सी ए डी, बी सी ए डी, इट इज अ कॉमन मिस्टेक टू ऑब्जर्व शार्पली राइजिंग प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन गुड एंड कंक्लूड इन्फ्लेशन। डिजर्व अ बेटर, ओके ओके। हू वर इन अल्टर, द एक्टर्स, तो बी से स्टार्ट होगा, द एक्टर्स हू वर इन ड्रामा, तो बी ए डिजर्व, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, द राइवल ऑफ द, एवरी वन सेज, अच्छा डी से स्टार्ट होगा, एवरी वन सेज दैट द रिवाइवल ऑफ द मोमेंट लार्जली डिपेंडेड ऑन हिम, तो यही होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक तो आ चुके हैं। ही इज अ लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर, तो ए का एफ से बनेगा, तो ए का एफ से यहाँ बन रहा है और कहीं और नहीं बन रहा है, तो ए का एफ से यहाँ बन रहा है, डन। द यूनिवर्सिटी हैज मेड द वॉल इज स्लोली डेटोरियट, नहीं, तो फिर ए का एफ से, द यूनिवर्सिटी हैज मेड द लेक्चरर्स वर ऑन अ मीटिंग, तो ये भी गलत है। द स्कॉर्चिंग हीट मेड अ स्वेट अलॉट, तो सी ई का बन सकता है, तो सी ई का यहाँ आ रहा है, सी ई का यहाँ आ रहा है, ठीक है। ए एफ का देखते हैं, ए एफ वन, द यूनिवर्सिटी हैज मेड द वॉल स्लोली डिटर्जेंट मेड द लेक्चरर्स वर ऑन अ मीटिंग, तो सी ई आएगा, वेयर द बॉल दैट हिट द वॉल स्लोली, तो फिर यही है, डन। सेट ऑफ सिक्स क्वेश्चंस, ओके, एक दो तीन चार पाँच छः, ओके डन, ये हो जाएगा, उसके बाद पैसेज करेंगे और दो तीन क्वेश्चंस को वापस चेक कर लेंगे, तो 13 मिनट आराम से हो जाएगी, ठीक है। प्रोटेक्टिंग इंडियाज टाइगर इज एंटायरली जॉब, नहीं, इज अ लार्जली जॉब, इज अ वर्क जॉब, नहीं, इज अ लैंग्वेज जॉब, इज एन एनॉर्मस जॉब, एनॉर्मस हो सकता है, मार्क पर रिव्यू। विच इज अ फ्यू स्टूडेंट ऑन लिव इन वन ऑफ द 51 टाइगर रिजर्व, मेजरमेंट ऑलमोस्ट कवरिंग ऑलमोस्ट, हाँ कवरिंग ऑलमोस्ट 74,000 जस्ट, ये तो सही है। जस्ट एस्टिमेटिंग द टोगर टाइगर पॉपुलेशन इज इंटीमिडिएट हार्डली वाइल्डली टास्क नहीं होता, डॉन्टिंग टास्क हो सकता है, हार्डली टास्क नहीं हो सकता, डिमांड्स टास्क इज टोटल पॉपुलेशन, जस्ट एस्टिमेटिंग द टोटल टाइगर पॉपुलेशन इज एन इंटीमिडिएट टास्क, हाँ जी। टू कैरी आउट द मोस्ट रिसेंट सर्वे इंडिया नेशनल टोटल कंजर्वेशन डेवलप्स अ कैमरा ट्राइब्स इन इतने लोकेशन टेकिंग इतने सारे इमेजेस, ऑन द टॉप ऑफ दैट रिसर्चर्स कवर्ड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑन फुट एनालाइट लुकिंग, अच्छा लुकिंग फॉर साइंस ऑफ टाइगर्स एंड देयर प्रे, टू वेड थ्रू ऑल द डेटा एन टी सी यूज AI which had been trained to recognize different animals हो सकता है, क्योंकि animal नहीं देख रहा अपन। In the previous survey, AI helped identify which animals were pictured by the camera traps. Pictured by the camera traps. टास्क वगैरह भी, ठीक है, तो इसमें एआई की भी बात की गई और टाइगर्स की बात की गई है। नेक्स्ट अब यह एक बार 25वां देखते हैं। प्रोटेक्टिंग इंडियाज टाइगर्स इज एन इनॉर्मस जॉब, लैंग्वेज का पता नहीं है, तो ये चेक करेंगे अपन, तो अभी तो इसको सेव एंड नेक्स्ट ही रखते हैं, एक सेकेंड, था ये 25वां था ना, 25वां, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ओके अब चलते हैं फर्स्ट पे, देखते हैं ये स्टोरी है क्या है। ओके तो वन टू तीन पैसेज, आई मीन तीन paragraphs hai. If you wanted to study an animal in the wild, you would start by finding its habitat. Okay.
जब आप किसी को, चलो ठीक है, विच इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेयर। रेयर यानी कि कॉमन, रेयर मतलब बहुत अनकॉमन, तो इनफ्रीक्वेंट भी हो सकता है, अलर्ट का कुछ मतलब ही नहीं बनता, ऑब्सोलीट और कॉमन हो सकता है। तो रेयर एज मेंशन इन पैसेज ग्लेशियर्स फॉर डेजर्ट रॉक सीमेंट फॉसिल्स विच। ओके, द फॉलोइंग एंटोनिम ऑफ द वर्ड एज मेंशन, कॉमन और ऑब्सोलीट देखना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ ओके तो कॉमन ही आएगा फिर तो। कंटेन, सिनोनिम ऑफ द कंटेन, कंटेन यानी कि रखना अपने पास। रियलाइज, रियलाइज नहीं होता, रिलीज्ड यानी कि कंटेन नहीं होता। डिसबिलीव, डिसबिलीव नहीं होता कंटेन, एक्सक्लूड निकाल देना होता है। कंप्राइज, कंप्राइज हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टड बैग, ओके फाइंड सोर्स इन सेडिमेंट्री यू वुड हंग फॉर लेयर्स ऑफ रॉक दैट आर ऑफ सेम एज एज द विच एज द फॉसिल यू वॉन्ट टू स्टडी। टू डू दिस यू विल कंसल्ट अ ज्योलॉजिकल मैप विच मैंशन विच एक्सप्लेन या विच डिस्प्लेस। ओके, वो मैप है तो डिस्प्ले करेगा। ओके, द लोकेशन दैट डिस्प्लेस द लोकेशन दैट मैंशन द लोकेशन। मैप में लोकेशन डिस्प्ले नहीं होती है, फिर मैंशन होती है। विच डिस्प्लेस द लोकेशन, लोकेट विच, लोकेट विच, लोकेट द लोकेशंस, फीचर्स। पर मैप में डिस्प्ले होता है, मेंशन भी होता है। मैप में मेंशन होता है, पर मेंशन तो बुक्स में होता है, एक्सप्लेन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बुक में नहीं होता। मैप का बता दें, मैप में डिस्प्ले हो सकता है। लोकेट विच लोकेट्स द लोकेशन, लोकेट द लोकेशंस नहीं होता। लोकेट या लोकेट हो सकता है क्योंकि लोकेशंस होती है उसके अंदर मैप में। हाँ, तो रीचेस यू सेव मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच टू कंट्री, पोलार्स के लिए चाइना चलना पड़ेगा अपने को, यहाँ पढ़ा था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड टू कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक। कार्बन 14 का ये है, यू मे हर्ड ऑफ ओनली टाइप ऑफ कार्बन विच आर जो ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स। एज ऑफ तो बना सकता है इसका आंसर, ठीक है। और कार्बन 14 इजंट यूज्ड टू मेजर द फॉसिल बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड लाइफ। फॉसिल तो सेकंड नहीं आएगा। कार्बन डेटिंग कैन बी डिटरमाइन फॉर एग्जांपल अप टू अबाउट 20 years, age of sample much above 60,000। नहीं तो only first ही आएगा क्योंकि age of samples much above 60,000 आ रहा है। much above 60,000 यानी 60,000 से ज़्यादा ही, up to about यानी 60,000 तक आ रहा है। but many layers of rock to determine such as radioactive। हाँ तो भी सिर्फ यही आएगा। ओके, अभी तो टाइम बहुत है, अपने बच्चा वापस चेक करने का भी है। इफ यू वॉन्टेड टू स्टडी एन एनिमल इन द वाइल्ड, ओके वाई डू साइंटिस्ट यूज रेडियो एक्टिव एक्सपर्ट दैट आर सिमिलर द हाइफ टाइप। ओके, कार्बन डेटिंग कैन डिटरमाइन दिस अप टू बट मेनी लेयर्स ऑफ रॉक फॉसिल कंटेन्स आर बिलियन और बिलियंस और फियर। हाफ लाइफ नहीं आएगा, हाफ लाइफ ऑफ आइव टू एज ऑफ आइस मोर देन इज लेस देन बिलियन, नहीं मोर देन अ मिलियन ईयर्स, मोर देन मिलियन और बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये आ सकता है एज ऑफ दीज आइसोटॉप्स। आइसोटोप्स के बारे में ही बात किया था ना, लेकिन दिस कार्बन बट लेयर्स ऑफ रॉक्स। हाँ ठीक है, सेवंथ पे। हाँ ठीक है, हाउ ओल्ड शुड बी अ रॉक टू फाइंड इट्स टू यू टू फाइंड इट ट्रिलोबाइट। हेलो मोनर, यू विल एक्सप्लोर द 65। इफ यू वांट टू ट्रिलोबाइट यू नीड मच ओल्डर, 65 से ज्यादा। इट वुड हैव 245 245 मिलियन, मोर देन 245 मिलियन ईयर ओल्ड। कार्टोग्राफर्स यूज डेटा सोर्स, कार्टोग्राफर्स यूज डेटा सोर्स सच लाइक एरियल फोटोग्राफ एंड सर्वे टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। एरियल फोटोग्राफ्स, कार्टोग्राफर्स यूज डाटा सोर्स, कार्टोग्राफर्स
ओके तो हाँ है कहाँ ये कार्टोग्राफर्स यूज, कार्टोग्राफर्स यूज, हाँ मिल गया। डेटा सोर्स लाइक एरिया फोटोग्राफ इन सर्वे टू डिटरमाइन लोकेशन फीचर्स, लोकेशन एंड फीचर्स द रॉकेट्स करना। डिटरमाइन लोकेशन एंड फीचर, लोकेशन ऑफ रॉक, फीचर ऑफ रॉक, तो एज नहीं आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। इट पोजिशंस दैट बॉडी ऑलमोस्ट एज इफ द वियरर वर वॉकिंग ऑन एन इंक्लाइनिंग, मीनिंग इंक्लाइंड, इंक्लाइंड इट पोजिशंस द बॉडी ऑलमोस्ट एज इफ द वियरर वर वॉकिंग ऑन एन इंक्लाइंड। मीनिंग यू विल ये तो सेवन नेक्स्ट में इधर से कर सकता हूँ, थर्ड वाला देखना पड़ेगा बट पास्ट लिटिल स्पार्क। क्लियर कर रहा हूँ, सेव नेक्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि पक्का नहीं है। 14 पर ड्यूरिंग हिज लेट इयर्स इन द काइंड क्लियर रेस्पॉन्स, और फिर नेक्स्ट कर रहा हूँ। जब नहीं आता तो करना भी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। एनॉर्मस प्रोटेक्टिंग इंडियाज टाइगर इज एन एनॉर्मस जॉब, इज एन एंटायरली लार्जली जॉब, एंटायरली जॉब नहीं, वर्क जॉब नहीं आएगा तो एक या दो लैंग्वेज जॉब, तो मैं इसमें क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ तो मैं इसमें छोड़ रहा हूँ सेवन नेक्स्ट। तो मैंने एक दो और ये क्या था फर्स्ट वाला, थर्ड था ना, लोकेट इफ यू वुड कंसिडर सर्विस लोकेट द लोकेशंस। कंसल्ट करने के बाद वो बंदा क्या करता है, लोकेट जियोलॉजिकल मैप विच लोकेट, तो मैप तो वही करेगा ना। मैं तो सेवन नेक्स्ट कर रहा हूँ इस वाले में, एक दो तीन चार मैंने छोड़े हैं, चार मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वैसे बता देता हूँ, मैंने चार इसलिए छोड़े क्योंकि मुझे इसमें पूरा कंफर्म नहीं है और मैं रिव्यू मार्क नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग से अपने परसेंटाइल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब थोड़ी देर में मैथ का आने वाला है, इंग्लिश के बाद किसका आएगा, मैथ का आएगा ना, हाँ तो मैथ का आएगा तो मैं मैथ का दूंगा, उसके अलग से वीडियो डालूंगा। आज मैं मॉक की 1 घंटे की वीडियो नहीं, 20-20 मिनट की वीडियोस डालूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको कट करके अलग कर दूंगा और फिर बाद में ऐसे 3 वीडियोस के बाद एक फोर्थ वीडियो मैं शॉर्ट्स पे डालूंगा जिसमें मैं क्लर्क के लाइव टेस्ट का स्कोर बताऊंगा जो कि बहुत बाद में आएगा, तुरंत नहीं आएगा क्योंकि ये लाइव टेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, तो देखेंगे हम कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कितना परसेंटाइल किया, फिर मैथ में कितना परसेंटाइल किया और उसमें क्या बोलता है रीजनिंग में कितना परसेंटाइल किया। अभी 2 मिनट बची हुई है हमारे पास और हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। वैसे मुझे थर्ड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें क्या है कि ये लिखा हुआ है ये यू वुड कंसल्ट अ जियोलॉजिकल मैप विच मेंशन द लोकेशन। अब मैप लोग मेंशन भी कर सकता है, मैप एक्सप्लेन भी कर सकता है, मैप डिस्प्ले लोकेट और रीचेस तो नहीं कर सकता, देखो रीचेस नहीं कर सकता क्योंकि मैप पहुंचाता नहीं, मैप विच रीचेस द लोकेशन। मुझे ये भी सही लग रहा है, पता है मुझे पांच भी सही लग रहा है, लेकिन क्या है कि अगर आप मैप से कंसल्ट करोगे तो मैप आपको मैप मेंशन कर देगा, इसलिए मुझे ये भी लग रहा है। मैप एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो मैप तो ये होगा नहीं, तो एक्सप्लेन हम कट कर सकते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले मैप डिस्प्ले कर सकता है क्योंकि मैप में बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट होती हैं, तो फर्स्ट और थर्ड लग रहा है, और लोकेट और मैप जो है लोकेट भी करता है लोकेशंस को। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे नहीं लगाना चाहिए थर्ड वाला, मैप मेंशन द विच सर जो हम विच मेंशन द लोकेशन, तो मेंशन आना चाहिए यार, मेंशन और डिस्प्लेस, मैं मेंशन को लगा दूं क्या, मुझे पता नहीं मेंशन विच मेंशन, मुझे कुछ लग नहीं रहा इसका। 1 मिनट अभी भी हमारे पास, लेकिन मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता,
नेगेटिव मुझे पसंद नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं हमने कुछ और गलत तो नहीं किया। कंप्राइजेस वाला सही है, कंप्राइजेस वाला सही इसलिए है क्योंकि कंटेन मतलब होता है रखना, और ये सिनोनिम ढूंढना है ना, एक्सक्लूड या तो निकालना होता है, डिसबिलीव का कोई मतलब ही नहीं बन रहा, रिलीज का मतलब निकालना होता है, रियलाइज का मतलब पहचान में लेना होता है, और कंप्राइज ही बचा जो कंप्राइज मतलब रखना। यहाँ पे ये तो है ही, पैसेज में दे रखा है, ये सब पैसेज में दे रखा है। अब चलते हैं इधर, इफ शी वॉज गिवन अ चांस शी वुड हैव एक्सेल्ड इन द इंटरव्यू, शी वुड हैव एक्सेल्ड इन द, शी वुड हैड एक्सेल्ड, नहीं आता कभी भी, एक्सेल्ड इन द इंटरव्यू, तो ये सही है। एडिक्टेड टू स्मोकिंग होता है स्पार्क, ये वाला मेरे को पता नहीं चल रहा था, मैंने इसमें स्पार्क में बस्ट इन इनटू अ माइटी फ्लेम आना चाहिए था, फिर बस्ट अ माइटी फ्लेम, माइट बस्ट आ सकता था, स्पार्क में बस्ट, तो मैंने इसमें भी, मैं क्योंकि कंफ्यूजन है तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ।